हेलो गाइस, अगर आपका फेसबुक अकाउंट भी अपलोड योर आईडी वाली प्रॉब्लम में जा चुका है एंड आपके पास आपके फेसबुक अकाउंट के नेम से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो आप लोग किस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा एंड आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आपको जो चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना है एंड साथ में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेट करना है ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है जैसे कि मैं आ चुका हूँ एंड उसके बाद आपका जो भी फेसबुक अकाउंट अपलोड योर आईडी वाली प्रॉब्लम में जा चुका है उस फेसबुक अकाउंट को सिंपली क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे जो है अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं एंड गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी फेसबुक का अकाउंट लॉगिन है जो कि अपलोड योर आईडी वाली प्रॉब्लम में जा चुका है। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो फेसबुक का अकाउंट है हमारा नहीं है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है जिन्होंने हमें जो है हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था। एंड गाइस अगर आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो। एंड गाइस अब बात करते हैं कि अब जो है हम इस फेसबुक अकाउंट को किस तरह से ओपन करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस अकाउंट का नेम चेक करो, डिकोर डाय, ठीक है। तो ये जो है एक बिजनेस अकाउंट था एंड किसी ना किसी रीजन की वजह से ये जो अकाउंट है इस प्रॉब्लम में जा चुका है, लेकिन हमारे पास जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके पास डिकोर डाई के नाम से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है जिसकी वजह से वो इस अकाउंट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस अगर आपके पास भी आपके फेसबुक अकाउंट के नेम से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आपको किस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक न्यू टैब बनानी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर न्यू टैब बनाते हैं। न्यू टैब बनाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है एंड उसके बाद मैं आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक देने वाला हूं, तो चलिए गाइस मैं आपको वो दोनों लिंक दिखा देता हूं। तो देख सकते हो गाइस ये वो दोनों लिंक हैं जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको जस्ट वहां से कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव कर लेना है एंड सेव करने के बाद दोस्तों आपको जो फर्स्ट वाले लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। एंड फर्स्ट लिंक को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जो अपने ब्राउजर पर वापस से आ जाना है, ठीक है। एंड ब्राउजर पे वापस आने के बाद दोस्तों आपको जो है इस लिंक को जो है सर्च बार में डाल के सर्च कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग जो है इस लिंक को सर्च करोगे तो आपके सामने जो है चेंजिंग योर नेम वाला एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको जस्ट इस फॉर्म को फिल करना है। अब फिल किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक रियल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आप आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो, ड्राइवरी लाइसेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में नेम है सेम नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके आधार कार्ड में जो नेम है आपको वही नेम यहाँ पे फिल करना है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में लास्ट नेम, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे रीजन फॉर दिस चेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो ये लीगल नेम चेंज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जस्ट ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे योर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस जिस आइडेंटिटी कार्ड का नेम आपने इस फॉर्म में फिल किया है उसी आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में आपको एक कॉन्टैक्ट ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे जो आपके अकाउंट के अंदर जो ईमेल ऐड है वो डाल सकते हो या फिर आपके पास जो भी एक्टिव ईमेल है वो भी डाल सकते हो। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एक क्लियर पिक होना चाहिए। अब पिक किस तरह से होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो गाइस आपकी जो पिक है कुछ इस तरह से होनी चाहिए, मतलब आपको जो अपने आधार कार्ड को किसी टेबल पे रख लेना है एंड उसके बाद उसका एक क्लियर पिक लेना है, ठीक है, तब जाकर ही आपका नेम अपडेट होगा। जब तक आप एक क्लियर पिक नहीं लोगे तब तक आपका जो नेम है वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर से ब्राउजर पे आ जाता हूँ एंड मैं जस्ट इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे जो इस फॉर्म को फिल कर लिया है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो है नीचे में एक सेंड बटन दिया जाता है, इस सेंड बटन पे क्लिक करके इसको सेंड कर देना है, ठीक है।
तो ये जो फॉर्म है ना जस्ट नाउ पे सेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड जिन बंदों का ये जो फॉर्म है सेंड नहीं होता है वो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइव प्रूफ हमारा जो नेम चेंजिंग का फॉर्म था वो सबमिट हो चुका है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक और न्यू टैब बना लेनी है, ठीक है। अब न्यू टैब बनाने के बाद दोस्तों मैंने आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक दी है ना, उस सेकंड लिंक को आपको जो है यहाँ पे सर्च बार में डाल के सर्च कर लेना है। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे जो है उस लिंक को सर्च कर लेता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे जो सेकंड लिंक को सर्च कर लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट आर डेट ऑफ बर्थ चेंज। तो भाई यहाँ पे आपको जो अपनी बर्थडे डेट को चेंज करना है। अब बर्थडे डेट भी आपको वही डालनी है जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में है, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है रीजन फॉर दिस चेंज। तो भाई यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दिस इज माय रियल डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जस्ट यहाँ पे हम जो डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद जस्ट आपको जो नीचे में सेंड बटन मिलता है, सेंड बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म को भी जो है जस्ट सेंड कर देना है। तो देख सकते हो गाइस जो हमारा सेकंड फॉर्म था वो भी सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपके जो ये दोनों फॉर्म थे, नेम चेंज वाला एंड डेट ऑफ बर्थ चेंज वाला, दोनों ही सक्सेसफुली सेंड हो जाएंगे। एंड सेंड होने के बाद दोस्तों आपको जो फर्स्ट पेज पर वापस से आ जाना है, ठीक है। एंड वापस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो 24 घंटे तक अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, ठीक है। एंड 24 घंटे के बाद जब आप अपने अकाउंट को लॉग इन करोगे तो आपके अकाउंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही अपडेट हो चुका होगा। एंड जैसे ही आपके अकाउंट का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पे जो ये टेक फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस टेक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने रियल आइडेंटिटी कार्ड का एक पिक क्लिक कर लेना। एंड पिक क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जस्ट यहां पे जो फेसबुक टीम को सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप जो अपने आइडेंटिटी कार्ड को फेसबुक टीम को सबमिट करते हो तो आपका जो अकाउंट है ना वो 2 से 3 घंटे के अंदर ही ओपन हो जाएगा। एंड यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपका इस ट्रिक से भी अकाउंट ओपन नहीं होता है या फिर आपको जो है नेम चेंज करने में या डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।